प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप जेटली आज फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। तो चलिए चलते हैं डिजी लेसन की ओर। हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 का पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाई बहन। भाई बहन पाठ के रचयिता हैं गोपाल सिंह नेपाली, जिनका जन्म बिहार के बेतिया में हुआ था। तो चलिए चलते हैं पाठ भाई बहन की ओर। भाई बहन पाठ में भाई बहन के स्नेह को देश प्रेम से जोड़कर बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई बहन का पहला पद। तू चिनगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग में ज्वाल बनूं। कवि नेपाली कह रहे हैं कि भाई अपनी बहन से कह रहा है कि तू चिनगारी बनकर, जिस तरह एक चिनगारी बड़ी से बड़ी ज्वाला बन सकती है, वो सामर्थ्य होती है उसमें, इसी तरह चिनगारी की तरह तू शुरुआत कर और मैं उसको विकराल रूप दूंगा, ज्वाला बना दूंगा। अर्थात तू शुरुआत कर लोगों को जागृत करने की और मैं बाहर निकलकर सभी को जागृत करने का प्रयास करूंगा और अधिक लोगों को जागृत करूंगा। तू बन जाए है राती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। तू गंगा की तरह शांत भाव से अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों से मिल और उनको देश प्रेम के लिए जागृति, उनमें जागृति का भाव लाने का काम कर। मैं झेलम बेहाल बनूं, और जिस तरह झेलम नदी कठिन रास्तों से होकर निकलती है, उसी तरह जहाँ कठिनाई है वहाँ जाकर मैं लोगों को जागृत करता हूँ। आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजलू लाल बनूं। आज तू बसंती वस्त्र धारण कर ले और मैं भी वीरों की तरह सज कर तैयार हो जाता हूँ। तू भगनी बन क्रांति करा ली, हे बहन तू भयंकर क्रांति का रूप धारण कर ले और मैं भयंकर वीर बन जाता हूँ। यहाँ ना कोई राधा रानी वृंदावन बंसी वाला, वो कह रहे हैं कि यहाँ सभी एक हैं, यहाँ राधा रानी अलग नहीं है, वृंदावन अलग नहीं है, ना ही कृष्ण अलग हैं, सभी का ध्येय राष्ट्र की रक्षा है। तू आंगन की ज्योति बहन रही, मैं घर का पहरे वाला। तू आंगन में रहकर अर्थात समाज में रहकर लोगों को जागृत कर और मैं सीमा पर जाकर देश की रक्षा करता हूँ। इसमें इस पद के द्वारा कवि ने देश प्रेम के लिए भाई बहन के जो उनका जज्बा है, देश प्रेम का जो भाव है उनके मन में, उसको प्रकट किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पद की ओर, जिसमें भाई अपनी बहन से कह रहा है कि बहन प्रेम का पुतला हूँ मैं, तू ममता की गोद बनी। वो कह रहा है हे बहन, तू मैं प्रेम का प्रतीक हूँ और तू स्नेह की का भंडार है तेरे पास, तू अपने स्नेह से और मैं अपने प्रेम से लोगों को जागृत करता हूँ। मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक, तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। अभी तक का मेरा जीवन खेल खेल में व्यतीत हुआ है और तूने भी अपना समय आमोद प्रमोद में यानी आनंद में ही व्यतीत किया है। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी। मैं अपने जीवन के सुखों में खोया रहा और मेरी बहन भी अभी तक मनोरंजन में ही डूबी रही।
भाई की गति मति भगनी की दोनों मंगल मोद बनी। भाई की क्रियाशीलता और बहन की बुद्धि दोनों मिलकर अभी तक आनंद का साधन बनी रही। भाई अपनी बहन को चेतावनी देते हुए कहता है कि हे बहन, यह अपराध कलंक से सारे फूल जला देना, हमारे सुख और आनंद कहीं अपराध और कलंक ना बन जाए, इसलिए सभी सुखों को छोड़कर भारत माता की प्रतंत्रता की बेड़ियों को, जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। भारत माता की प्रतंत्रता की बेड़ियों की आवाज़ को सुन और चलकर उसे धैर्य दिला कि हम सब मिलकर उसे स्वतंत्र करेंगे, हम सभी सुखों को अपने देश की रक्षा के लिए अर्पण कर देंगे। ऐसा आह्वान जो है बहन से भाई कर रहा है। वीर रस का प्रभाव दिखाई देता है, अनुप्रास अलंकार है, अनेक प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है। अगले पद में भाई अपनी बहन से कह रहा है कि भाई एक लहर बन आया, बहन नदी की धारा है। भाई और बहन एक दूसरे के सहायक हैं, ऐसा भाई अपनी बहन से कह रहा है। भाई एक लहर के रूप में है तो बहन नदी की धारा के समान है, दोनों साथ साथ रहकर कल्याण के मार्ग पर चलकर सभी का सहारा बनेंगे। संगम है, गंगा उमड़ी है, डूबा कुल किनारा है। जिस तरह है, जब दो नदियों का संगम होता है तो वहाँ पानी की अधिकता हो जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है और उसके किनारे डूबने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि इस समय हमारे देश पर की परिस्थितियाँ विपरीत हैं। यह उन्माद बहन को अपना भाई एक सहारा है और इस समय जो है बहन के लिए भाई उसका एक सहारा है। अलमस्ती यानी बेफिक्री, एक बहन ही भाई का ध्रुव तारा है। इस बेफिक्री के समय में बहन ही भाई को सही रास्ता दिखा सकती है। पागल घड़ी बहन भाई है वह आज़ाद तराना है। पागल घड़ी है यानी विपरीत समय है, मुसीबत का समय है और ऐसे में बहन भाई दोनों एक दूसरे के सहारे हैं और उनके पास आज़ादी के गीत हैं जिनको गाकर लोगों को जागृत करना है। भाई अपनी बहन से कह रहा है कि मुसीबतों से, बलिदानों से पत्थर को समझाना है, चाहे कितनी ही मुसीबतें आएँ उन मुसीबतों को झेलकर और बलिदानों से जो पत्थर हृदय देश के दुश्मन हैं उनको सही रास्ता दिखाना है, सबक सिखाना है। वो चेतावनी देते हैं कि हम हर हाल में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। भाई बहन का स्नेह देश प्रेम से मिलकर और अधिक उदात्त बन गया है। बिंब और प्रतीक नवीन रूप में दिखाई देते हैं, भाषा सरल और मधुर है। तो आज हमने पाठ भाई बहन जो कि गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित है उसकी व्याख्या को समझा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।